अस्सलामुअलैकुम सामीन, आठ सफरुल मुज़फ़्फ़र है, 6 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है दारुल उलूम हुसैनिया तावली के साबिक सदर मुदर्रिस का इंतकाल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस ख़बर के लिए हरसोली से मौलाना मोहम्मद अफ़ान सादिक हमारे राबते में हैं। वो बता रहे हैं कि बड़े रंजोलम के साथ ये इत्तिला दी जाती है कि उस्तादुल असातिदा हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह का आज दोपहर इंतकाल हो गया है। मरहूम दारुल उलूम हुसैनिया तावली के सदर मुदर्रिस रहे हैं। ध्यान रहे कि दारुल उलूम हुसैनिया तावली में हजरत मरहूम का ज़माना तदरीस यानी पढ़ाने का ज़माना लगभग 40 साल रहा है। इस ज़माने में बहुत सारे तिशनगान उलूम नबूवत ने आपके सामने जानू तलम्मुज़ तय किया है, यानी आपके सामने पढ़ा है, आपके शागिर्द रहे हैं और हज़ारों तालिबान इल्म नबूवत को आप सब फ़ायदा पहुंचा है। 1935 में आप दारुल उलूम हुसैनिया तावली से 1435 से माफ़ करना ये हिजरी सन है 1435 हिजरी में आप दारुल उलूम हुसैनिया तावली से अलैदा हो गए और लोनी में वाक़े अपने घर रहने लगे। कई महीनों से साहिब फिराश थे, बीमार थे और बिलाखिर आज हजरत का इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि मौलाना यासीन साहब कस्बा कैराना के कदीम दीनी इदारा इशातुल इस्लाम और इसी तरह कस्बा कैराना के जामतुस सादा में भी मुदर्रिस रह चुके हैं। और जहां आप अरबी ज़ुबान के माहिर थे और अरबी ज़ुबान की बड़ी किताबें पढ़ाया करते थे, वहीं आपको फ़ारसी ज़ुबान पर उबूर हासिल था। फ़ारसी ज़ुबान में वो यद तूला रखते थे।